उसके घाटों से, मंदिरों से, और उस विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है। बिल्कुल, और अगर हम इसके जैसे आर्किटेक्ट की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे कमल हैं, कमल और भाजपा का भी जो है संबंध वो सबको पता है। ये भी कहते हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है और कीचड़ को की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। मंदिर में कमल और कमल का को जिस तरह से सजाया गया है, कितने कमल हैं यहाँ पर और किस प्रकार से उसको और इसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं, ये जो बेजोड़ नमूना है, ये जो मंदिर इसका खूबसूरत आर्किटेक्ट है, इसकी खूबसूरती में और कितना इजाफा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए कि जो इसका आर्किटेक्ट है वो अपने आप में एक उदाहरण है कि कैसे योग और ध्यान साधना की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है, और इसीलिए बहुत सोच समझ कर इस मंदिर का निर्माण जब किया गया और बहुत उसमें कोई जल्दबाजी नहीं की गई, और यही वजह है कि इतना समय लगा। जब ये इच्छा व्यक्त की गई कि पत्थरों को इसमें लगाया जाएगा, और उसके बाद हमने देखा कि कई वर्षों तक उसमें काम को आगे बढ़ाया गया और उस दिशा में ये एक एक तरह से कह सकते हैं कि बेहतरीन एक कला आर्किटेक्ट देखने को मिलती है। तो बहुत सोच समझ कर इस मंदिर का निर्माण किया गया जिससे कि जो आध्यात्मिक परंपरा है वो आगे बढ़ाया जा सके, जो हमारी एक एक सांस्कृतिक विरासत है उसे आगे बढ़ाया जा सके। और चूंकि ध्यान केंद्र के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र के विचार के साथ इसकी परिकल्पना की गई थी, तो कैसे लोगों को उसके लिए प्रेरित किया जा सके, उस विचार के साथ इसके पूरे आर्किटेक्ट को डिजाइन किया गया। और आप जब यहाँ पर आए तो ये महसूस कर सकते हैं कि कैसे ध्यान के एक वातावरण के साथ इस पूरे मंदिर परिसर की परिकल्पना की गई है। बिल्कुल, तो ये एक बेहद बेजोड़ नमूना, एक बेहद काशी के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की ये जो नगरी है, इस नगरी में और ज़्यादा चार चांद लगाने वाला ये महत्वपूर्ण स्वर्वेद महामंदिर, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये बेहद महत्वपूर्ण पल हम इसलिए भी कह सकते हैं शैलेंद्र, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो योग को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नई पहचान दिलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसी तरह से काशी जो धर्म की नगरी है, आध्यात्म की नगरी है, उस काशी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नए आयाम, नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये महामंदिर। निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर इसलिए भी है कि जब हम जानते हैं कि दो दिन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसमें हमने देखा कि कल जब काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण की शुरुआत हुई थी, किस तरह से भारतीय जो संस्कृति है, जो अलग अलग राज्यों की जो हमारी विरासत है, जो खूबियां हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम जिस तरह से हो रहा है, और जब हम भारत